इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में काम करने वाले मजदूरों का 2022 का पेमेंट अभी तक नहीं होने पर सैकड़ों की तादाद में मजदूरों ने मिली सचिवालय झालावाड़ पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। मजदूरों का कई महीनों से पेमेंट नहीं होने के कारण अपना जीवन यापन करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सैयद राशिद अली के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। साथ में रहे राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अलीम खान, कालावती बाई, श्रीलाल, हेमलता, कृष्णा, दुर्गा शंकर, सोहन बाई, करिश्मा, सुनीता बाई, नीलू, पायल आदि की मजदूर साथ में रहे। झालावाड़ के मिनी सचिवालय में जहाँ पर करीब जनवरी और फरवरी माह से यहाँ पर शहरी ग्रामीण रोजगार जो योजना है उसके जो मजदूर हैं उनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। ये पेमेंट 259 रुपए से इनका पेमेंट होता है, लेकिन मात्र 217 रुपए ही इनको पेमेंट दिया जा रहा है, पेमेंट काट के दिया जा रहा है और काफी समय से इनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। इस पेमेंट नहीं देने से इन लोगों के ऊपर जो है गरीब लोग हैं और इनको खाने और पीने की व्यवस्था करने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम इसकी जानकारी लेते हैं कि इनको कब से पेमेंट नहीं मिल रहा है और क्या तकलीफों का इनको सामना करना पड़ रहा है। बोलिए, आपको पेमेंट कब से नहीं मिल रहा है? हमारे यहाँ पेमेंट है, मकर संक्रांत का पेमेंट बंद है सर, हमें पेमेंट दिया ही नहीं। संडे के दिन काम करवाया, उसकी हाजिरी का कोई पता नहीं है। तो आपको कितना पेमेंट मिलता है? अब वो भी हमें पूरा पता नहीं है, बोल रहे हैं 260 रुपए देंगे। कितना पेमेंट मिलता है आपको? 260 रुपए। 260 रुपए पेमेंट मिलता है। और भुगतान कितना हो रहा है आपका? 210। आइए हम जानकारी लेते हैं राजीव गांधी ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव सैयद राशिद अली जी से कि इस बारे में वो जानकारी देंगे। जैसा कि अशोक गहलोत जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी ने शहरी इंदिरा गांधी रोजगार योजना जो चला रखी है, इसमें गरीब आशाओं को रोजगार दिलाने का उन्होंने वादा किया है और दिला भी रहे हैं। और जैसे कि नगर परिषद द्वारा यहां पर रोजगार दिया गया है, ये आपके सामने पीछे महिलाएं खड़ी हैं, इन सबको रोजगार दिया गया था। अब इनका ये कहना है कि यहाँ के जो नगर परिषद प्रशासन है, इनका मानदेय काट के दिया जा रहा है। जो इनके लेबर पेमेंट जिस हिसाब से होता है 260 में, किसी को 217, किसी को 214, इस तरह से इनका आरोप है नगर परिषद प्रशासन पे, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। और मेट का पेमेंट जनवरी से नहीं डला है, जो बाकी है जनवरी का वो पेमेंट आज तक नहीं डला है। प्रशासन, नगर परिषद से बात की जाती है तो वो कह देते हैं कि भाई कहीं भी जाओ, आप कलेक्टर साहब के पास जाओ, कहीं भी जाओ, जनवरी का पेमेंट लेबर का आपका नहीं होगा, ना मेट का होगा, इस तरह से उन लोगों ने बताया गया है। जैसा कि ये लोग मेरे पास आए थे तो मैं इनकी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर महोदय के पास आया हूँ और मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ जिला कलेक्टर महोदय साहब से कि इनका मानदेय दिलवाया जाए, नहीं तो हम इसकी गुहार आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास पहुँचाएंगे।